और आइए इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ममता बनर्जी के चोटिल होने की खबर सामने आई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चोट लगी है, हेलीकॉप्टर में चढ़ते समय चोटिल हुई है ममता बनर्जी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं तस्वीरों के साथ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हेलीकॉप्टर में चढ़ते समय उन्हें चोट लग गई। हालांकि कितनी चोट लगी है, फिलहाल क्या स्थिति है, इस पर ज्यादा जानकारी आपको पहुंचाएंगे। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो खबर मिल रही है वो ये कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चोटिल हो गई हैं। हेलीकॉप्टर में चढ़ते समय उन्हें अचानक से चोट आ गई है और तस्वीरें आपके सामने हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चोटिल होने की खबर सामने आ रही है। ममता बनर्जी हेलीकॉप्टर में चढ़ते समय चोटिल हो गई हैं, उन्हें चोट लगी है। लेकिन फिलहाल क्या स्थिति है, इस बारे में भी ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन खबर ये मिल रही है कि अचानक से हेलीकॉप्टर में चढ़ते समय उनका पांव फिसला है और इस वजह से उन्हें चोट लगी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, अभी कुछ दिन पहले भी कुछ तस्वीरें सामने आई थी जब उन्हें चोट लगी थी। और एक बार फिर से ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं, हेलीकॉप्टर में चढ़ते समय एक बार फिर से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उन्हें चोट लग गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोहीवाल फोन लाइन पर जुड़ गई है। मनोज्ञा, थोड़ी दिन पहले भी इस तरीके की कुछ तस्वीरें सामने आई थी जब ममता बनर्जी को चोट लगी थी, फिलहाल क्या स्थिति है, क्या ज्यादा चोट आई है उन्हें? जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दुर्गापुर से जब हेलीकॉप्टर में चढ़ रही थी तो उस समय गांधी मोड़ मेला मैदान है वहां पर दुर्गापुर में हेलीकॉप्टर में चढ़ते समय सीढ़ियां चढ़ गई और जैसे ही हेलीकॉप्टर के अंदर गई तो ऐसा लगा कि उन्हें झटका लगा और वो गिर गई अंदर ही। उसके बाद उनके सिक्योरिटी कुसुम और बाकी सब ने, स्वरूप जो उनके साथ रहते हैं, उन्होंने दोनों ने संभाला, उन्हें बैठाया और उसके बाद चौपर उड़ा जरूर और हाल ही में वो फुलटी भी पहुंच गई है। लेकिन चोट काफी तेज लगी है और चोटिल होने के बावजूद वो लगातार रैलियां कर रही हैं। उनको चोट लगी थी दुर्गापुर में, वहां से उन्हें कुल्टी जाना था, कुल्टी में शत्रुघ्न सिन्हा की रैली अटेंड करनी है और उसके बाद कुल्टी के बाद उनके आगे से भी कार्यक्रम लगे हुए हैं। लेकिन चोटिल होने के बावजूद दीदी एक के बाद एक जिस तरह से रैली कर रही है, ये अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि एक बात साफ है कि जिस तरह से उन्हें चोट लगी है, इसके पहले भी उन्हें सर पर चोट लगी थी जिसमें बताया जा रहा था कि वो अपने घर में जब ट्रेडमिल कर रही थी या वॉक कर रही थी उस समय उनके सर पर चोट आई थी। वो काफी गंभीर चोट थी जिसमें उन्हें सीधा अस्पताल ले जाया गया था, SSKM अस्पताल लेकर गए थे और खुद अभिषेक बनर्जी, उनके भतीजे और सांसद और राष्ट्रीय महासचिव पार्टी के मौजूद थे। आज की चोट पर किस तरह से कितना असर है, कितनी गंभीर चोट है, फिलहाल वो चल पा रही है लेकिन चोट तेज लगी है। क्या मनोज्ञा, फिलहाल उन्हें अस्पताल ले जाया गया है या फिर घर पर ही उनका इलाज चल रहा है, क्या स्थिति है? देखिए, चोटिल होने के बावजूद वो सीधे रैली में गई है क्योंकि वहां पर हजारों की संख्या में लोग एक साथ एक जगह इकट्ठा हुए हैं उनका बात सुनने के लिए। आज धुआंधार रैलियां चल रही हैं, अगले फेज की तैयारियां चल रही हैं, 7 मई को जो अगला चुनाव होना है उसकी तैयारियों में वो लगी हुई हैं और उसके आगे की भी जिसमें दुर्गापुर, आसनसोल, हुगली और बाकी सारे फेज शामिल हो जाएंगे। चौथे और पांचवें फेज में भी ममता बनर्जी लगातार बैक टू बैक रैली और रोड शोज और पब्लिक मीटिंग अटेंड कर रही हैं। तो ऐसे में अभी किसी कार्यक्रम को आधिकारिक तौर पर बदला नहीं गया है लेकिन चोट लगने के बावजूद ममता बनर्जी इस समय फिर एक बार जनता के बीच में रैली एड्रेस करती हुई है। बिल्कुल, और ये मनोज्ञा एक तरीके का मैसेज भी देने की कोशिश ममता बनर्जी की तरफ से रहेगी क्योंकि पिछली बार भी जैसा कि आप भी जिक्र कर रही थी, सर में उनके चोट लगी थी लेकिन उसके बाद भी जो उनके कार्यक्रम थे तमाम तरह के वो जारी रहे और अभी भी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में चोटिल होने के बावजूद पांव में उनके चोट लगी है, कितनी गंभीर स्थिति में चोट लगी है क्या नहीं अभी इसका कुछ अंदाजा नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वो वहां पर सभा करने जा रही है जहां पर लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। मनोज्ञा, एक मैसेज देने की भी ये कोशिश है? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, 22 वर्षों में मैंने जितनी बार भी ममता बनर्जी को देखा है, उन्हें अगर चोट लगती है तो उनका एक तरीका होता है काम करने का, उनका एक पब्लिक एड्रेस है, उनका एक पब्लिक इंटरेक्शन है। 2021 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उन्हें पैर में चोट लगी थी लेकिन उसके बाद छला होवे का नारा देकर फुटबॉल से लेकर बैक टू बैक व्हील चेयर पे कैंपेनिंग की थी उन्होंने। तो जहां तक जिद की बात है, डिटर्मिनेशन की बात है और अपनी एक एटीट्यूड की बात है, वो एज ए लीडर उनका कितना सुदृढ़ और कितना वो तगड़ा है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 30 वर्षों की लड़ाई के बाद उन्होंने 2011 में वाम मोर्चा की सरकार को बंगाल से उनके पूरे किले को ध्वस्त कर दिया। लेकिन इस बार लड़ाई बीजेपी बनाम तृणमूल कांग्रेस है, बंगाल में सीधे आमने सामने है और दिलचस्प होगा कि चोट का असर कितना होगा। बिल्कुल मनोज्ञा, धन्यवाद आपका तमाम अपडेट्स जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।